तो भाई लोग, क्या हाल चाल है? तो आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले के साथ वापस, और गोल्डन वुड वाला मैप खेल रहे हैं और डुओ खेल रहे हैं भाई। तो टेंपल और ड्रॉप था, यहीं पे आते हैं भाई मुंह उठा के। और यहाँ पे काफ़ी सारी टीमें आती हैं, तो पहले गन उठाते हैं फिर देखते हैं इनको। और सामने जो बंदे उतरते हैं तो उनमें से जो है एक को डैमेज करता हूँ, वो लोग ओपन भगने लगते हैं, तो भाई नॉक कर देता हूँ मैं। और 5 की गोलियाँ भाई, कितनी एक दो पीस मिलती है, पर उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ख़त्म सी हो रखी थी। और भाई बंदे काफ़ी आए थे, तो लूटना पड़ेगा ना भाई, तभी तो सर्वाइव होगा। फटाफट मैं गन वन उठाता हूँ, फिर इन बंदों पे पुश कर दूँ, ताकि जो है ये गन आ जाएंगे तो भाई खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से मैं टॉमी गन उठाता हूँ, सीधा उन पे पुश करता हूँ। और जैसे उन बंदों पे पुश करने वाला रहता हूँ, तो इतने ही बोर्ड डाल देते हैं जो कि थर्ड पार्टी करने में सबसे आगे रहते हैं। मतलब उन्हें पता है ना उन बंदों की HP जो है काफ़ी लो है, तो भाई ये पुश करने पहुँच गए तो हम पुश नहीं करने देते, इनको नॉक कर देते हैं। फिर अब उन बंदों पे एक ऊपर रहते हैं वो लोग, तो एक नेट डाल के ट्राई करते हैं कि भाई फिनिश हो जाए। खैर मेरे नेट से कोई नॉक नहीं देता, पुश करना पड़ता है। इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, तो उसका जो टीममेट होता है भाई, कतई शॉर्ट गन लेके भगा भगा आता है। और भाई उस टाइम पे जो मेरी फटती है ना, कसम से मैं तुरंत गन चेंज करता हूँ और सीधा क्रेट बनाता हूँ। मैं शॉर्ट गन रिलोड हुई नहीं कि क्रेट बनी मेरी। तो आगे की साइड एक और बोर्ड दादा थे, तो उनको मैं इग्नोर मारता हूँ, क्योंकि भाई एमओ कम थी मेरे पे और सामने दो बंदे थे। तो मैंने कहा बोर्ड दादा आप तब तक लूट लो, फिर जब मैं आऊँगा क्रेट बनाऊँगा तो आपकी क्रेट से मैं लूट लूँगा। तो हम दोनों आपस में समझ लिए और फिर अब जा रहे हैं क्रेट बनाने बोर्ड दादा की। और गाइस डेली वीडियो नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि यार लॉकडाउन चल रहा है तो इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। मतलब सारे घर में बैठ के पबजी खेल रहे हैं, तो भाई इंटरनेट कहाँ से। बट मैं वाईफाई लगवा रहा हूँ यार, तो फिर उसके बाद मचाएगा तुम्हारा भाई तबाही। तो सामने की साइड एक बंदा नॉक पड़ा रहता है, जिसको मैं फिनिश कर देता हूँ। और जो बंदे इस बंदे को नॉक करते हैं, तो भाई अब उनकी भी बारी है, क्योंकि नॉक करके इस बंदे को फिनिश कर दिए तो मेरे को पता नहीं चलता कि यहाँ पे और बंदे हैं, हो जाता तो पता ही चल जाता। इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, और अब इसका टीममेट कहाँ पे है कुछ भी नहीं पता। तो जैसे इस बंदे को फिनिश करने जाता हूँ मैं, तो इसका टीममेट सामने से कवर कर देता है। मैं क्रेट बना देता हूँ भाई दोनों को एक साथ। कई हम जो है एक टूर्नामेंट कराने वाले हैं, तो भाई जितने लोग क्लैन नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लें, और भाई जो जो क्लैन है वो नाम चेंज कर लें अपना। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कॉर्ड पे ही मिलेगी। यहाँ पे एक और बोर्ड दादा आते हैं, तो इनको फिनिश कर देते हैं हम, और फिर और बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई रहता नहीं तो यहाँ से निकल लेते हैं हम पहली फुर्सत में। और भाई पूरे मैप में गाड़ी दौड़ाने के बाद एक भी बंदा नहीं मिलता, मतलब हम कहाँ से चले थे, मतलब 10 किल हुआ था हमारा और टॉप 10 में आके पहुँचे हैं, तब जाके हमें ये सीढ़ी बंदे दिखाई दिए हमको, क्योंकि हमने भाई वाली बाइक चोरी करके पतली गली से निकल रहे थे। लेकिन हम गाड़ी से कुचल देते हैं और दूसरा ओपन में बोल रहा था, तो उसको फिनिश कर देते हैं।
एक्सलेंट वर्क। टोटल 6 बंदे अलाइव हैं तो उनको भी देखते हैं भाई। और जोन एकदम ओपन में था तो मैं अपने टीममेट को साथ में लेता हूँ और भाई सीधा कवर में पहले निकलता हूँ, क्योंकि भाई कहाँ से स्प्रे आएगा कुछ भी पता नहीं। और ये दूसरी वाली गाड़ी दिखती है हमको तो भाई, अगर मैं ड्राइविंग सीट पे ना होता ना तो कन्फर्म बता रहा हूँ इनमें से एक बंदा जो है ना नीचे अभी टहल रहा होता। लेकिन वो लोग भर जाते हैं तो फिर भाई, और जोन जो है धोखा दे दिया हमको, मतलब हम पे कभी बनता ही नहीं है जोन। पबजी वालों को पैसा अलग से देना पड़ेगा उसके लिए। तो खैर अब टोटल 2 ही बंदे बचे हैं तो भाई देखते हैं उनको। जब तक हम ऊपर आ रहे थे नीचे से तब तक भाई सारी की सारी टीमें फिनिश हो गई आपस में लड़के। तो अब जो लास्ट के बंदे बचे हैं तो अब इनको क्या ही भरेंगे हम, देखना। तो ये भैया जी ओपन में क्या कर रहे थे हमको कुछ भी नहीं पता, मतलब ये सोच के टीवीपी ले रहे होंगे कि भाई मेरे पे कवर है, सामने की साइड से फायरिंग नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले यहीं पे फाइट लिए थे तो इनको पता नहीं था शायद कि हम लोग फ्लैंक कर चुके हैं। पता होता तो भाई टीवीपी ही ना लेते, लेकिन इनकी खोपड़ी जो ना हमको दिख रही थी तो हम फोड़ देते हैं वो से और इनकी क्रेट सीधा बनाते हैं, क्योंकि भाई ये रिवाइव होने में टाइम नहीं लगाएंगे और मेरी किल जो है ना वो गायब हो जाएगी। तो इनका जो टीममेट रहता है ना वो सामने की साइड टीपीपी ले रहा था, तो मैं एक स्मोक डालता हूँ ताकि उसका जो है ना टीपीपी ब्लॉक हो जाए और मेरे को अच्छा सा एंगल मिल जाए उसको मारने के लिए। तो मैं एक मॉली भी डाल देता हूँ वहाँ पे ताकि वो सामने की साइड से मेरे को ना मार सके और मैं फ्लैंक करके उसकी क्रेट बना दूँ। तो जैसे ही इधर आते हैं तो भैया जी नेट डालते हैं और भाई स्मोक के थ्रू इतना गंदा डैमेज करते हैं भैया। तो फिर मैं पहले हीलिंग करता हूँ फिर उसके बाद इनकी क्रेट बनाऊँगा। तो मैं भी जो है ट्राई करता हूँ इसमें स्मोक के थ्रू मारने के लिए, लेकिन भैया जी खुद ही ओपन आ जाते हैं, मतलब सामने मेरा टीममेट जा चुका था तो भाई उनको ओपन आना ही था। तो फिर क्रेट उनकी वहीं बनाते हैं तो फिर निकलता है भाई एक प्यारा सा चिकन डिनर। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, और कमेंट में बताना भाई वीडियो कैसी थी, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई जितने भी लोग हो ना सब के सब डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, क्योंकि टूर्नामेंट जल्दी होने वाला है और भाई हम ट्राई करेंगे यार डेली वीडियो लाने के लिए, क्योंकि रात भर जगना पड़ता है तब जाके एक वीडियो रिकॉर्ड होती है। और लॉकडाउन में भाई कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि वाईफाई लग जाए। तो फिर गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।